तो बच्चों आज हमारी सेकंड एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.2। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको पता है कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। तो हमारे पास एक नंबर है 632, तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसमें लिखेंगे 632। अब इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करें, पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 3 6, 2 1 2 और 2 6 12, ये हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 2, 2 5 10 और 2 8 16, प्रोसेस जब तक गोइंग ऑन रहेगा जब तक हमें कोई ना कोई प्राइम नंबर मिलता रहता है 2 से डिवाइड करें। अभी वापस से 2, 2 7 14, 2 9 18, ओके, और अब ये प्रोसेस रुक गया क्योंकि 79 एक प्राइम नंबर है, ओके 79, यस। तो अब हुआ क्या कि 632 को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमने देखा कि हम 632 को लिख सकते हैं 2 2 4, 2 8 और 879 टाइम्स होता है 632। यानी कि जब हम पेयरिंग करेंगे तो सिर्फ 2 के पेयर बनेंगे, बाकी इस 2 के नहीं बनेंगे और इस 79 के नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 632 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे पेयर में आते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया है, बाकी के 2 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, जो नहीं आएगा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चल सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। तो फिर वापस से वही क्वेश्चन, अब जैसे ये 441 ले लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स का नेम अभी बताए थे 441, देखो किससे डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा हमारा 3 से हो जाएगा, यस, तो 3 1 3, 3 4 12 और 3 7 21, फिर 3 से हो जाएगा, यस, तो 3 4 12 और 3 9 27, 7 से हो जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से हो जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हो कि जब हम 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है, ये, ओके, और 441 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 7 और × 7, ये तो देखो 3 पेयर में बन गया और 7 भी पेयर में, स्क्वायर रूट से बाहर वही आएगा जो पेयर में होगा, तो 3 और 7 दोनों आ गए, यानी कि 20, तो 21 इसका हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है, आसान है। पहले प्राइम फैक्टर्स करने हैं और प्राइम फैक्टर्स करने के बाद जो जो प्राइम नंबर्स
स्क्वायर में आ रहे हैं उनको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेना है और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया, बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जो आपको नहीं आएंगे आप मुझे बताएंगे, मैं आपको करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो अब क्या है कि जो नंबर हमें दे रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो कैसे होगा, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स बने, हर क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टर्स तो करने ही। तो 7, 6, 8, 7, 6, 8, तो पहले 2 से कर देते हैं, 2, 3 जा 6, 2, 8 जा 16, 2, 4 जा 8, फिर 2 से कर देते हैं, 2, 1 जा, 2, 9 जा और 2, 2 जा, फिर 2 से कर देते हैं, तो 2, 9 जा 18, 6 जा, फिर 2 से कर देते हैं, 2, 4 जा और 2, 8 जा, फिर 2 से कर देते हैं, 2 जा और 4 जा, फिर 2 से कर देते हैं, 1 जा और 2 जा, फिर 2 से कर देते हैं, 6 जा, फिर 2 से कर देते हैं, 3 जा और फिर 3 से कर देंगे तो 1 है। यानी कि जब हम सिर्फ 7, 6, 8 को लिखेंगे, 7, 6, 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्म कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और साथ में एक डुबल पेयर बन गया, दूसरे डुबल बन गया, तीसरे डुबल बन गया और चौथे डुबल बन गया, लेकिन 3 का नहीं बना। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है 3 से करेंगे, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन है ना ये, भाई दोनों तरफ बीच में जीरो दो साइन है, दोनों तरफ लिखा हुआ है, तो एक इक्वेशन है, तो जब भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही नंबर से दोनों तरफ करना पड़ता है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी कर दिया और राइट हैंड साइड में भी कर दिया, तो जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो नंबर हुआ 3, 8 जा 24 और 3, 6 जा 18, 18 और 2 20 हो जाएगा, 3, 7 जा 21, 21 और 2 20, यानी 2304। और जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट वही रूट लगा देते हैं इसका। अच्छा इधर यहाँ जो रूट बनेगा, यहाँ जो रूट बनेगा उसमें क्या आएगा, डबल 2 है तो डबल 2, एक बार और डबल 2, एक बार और डबल 2, एक बार और डबल 2 और एक बार डबल 2, तो आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 और 3, तो ये हो गया 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो 48 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि आपको समझ में आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से तो एक ही बात है, हमेशा कोशिश करो, सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके करने से ही गलत हो गया तो आपके पास मौका है मेरे साथ बात करके उसे सही कराने का, और फिर मैं आपको बता ही दूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आप एग्जाम में वो क्वेश्चन करेंगे तो वहां गलत नहीं होगा,
ठीक है, तो करना जरूरी है, सही या गलत डजंट मैटर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर में हमें दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ प्राइम परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। ठीक है, मतलब कहानी की शुरुआत वैसी होगी जैसे अभी तक करते आए, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे पहले तो। तो प्राइम फैक्टर्स करने के लिए बड़ी लाइन बना लेते हैं, पिछली बार छोटी रह गई थी, इस बार छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा सा। 8748, तो 8748 टू से करते हैं, 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14 और 2 4 8, फिर 2 से करते हैं, तो 2 1 और 2 8 16 और 2 7 14, फिर 2 से करते हैं, 1 0, 2 9 18, ओह ये तो 2 से जाएगा ही नहीं, देखा नहीं कि ये तो एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से नहीं जाते, तो 2 और 1 3, हाँ 3 से चला जाएगा, तो 3 से चला जाएगा, तो 3 से कर, तो 3 7 21, 3 2 6 और 3 9 10, वापस से 3 से चला जाएगा, तो 3 2 6 और 3 4 12 और 3 3 9, ठीक है, वापस से 3 से चला जाएगा, तो 3 8 24 और 3 1 3, वापस से 3 से चला जाएगा, तो 3 2 6 और 3 7 21, वापस से 3 से चला जाएगा, 3 9 तो वापस से 3 से चला जाएगा, 3 3 और फिर ये वापस से 3 और आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए क्योंकि लास्ट में बना गया। अब यहाँ देखोगे तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, एक अनपेयर्ड है, तो जो अनपेयर्ड है उसी से डिवाइड करना। ठीक है, तो जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, नंबर है हमारा 8748, तो नंबर हो गया हमारा 8748, 2 2 है तो 2 × 3 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड करेंगे 3 से दोनों तरफ, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा भाई कैंसिल, यस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6, 2 3 9 27 3 1 3, नंबर आ जाएगा हमारा 2 9 1 6, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने में क्या होगा, जो पहले से हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रखे हैं वो याद है, तो एक तो 2 का पेयर बन ही रहा है, एक 3 का बनना है, दूसरे तरीका भी बनना है और तीसरे तरीका भी बनना है, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया 2 × 3 × 3, तो 2 3 9, 3 3 9, 3 27, 2 54, तो 54 इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फिर वही वाली बात है,
समझ में आ ही रहा होगा, करके देखना, नहीं होता तो पूछ लेना लेकिन करके देखना वो बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग वंस एंड टेंस मेथड। तो वंस एंड टेंस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हमें वंस चेक करना होता है, जैसे वन है तो वन का जो स्क्वायर रूट जब होगा तो इसकी यूनिट प्लेस पे या तो वन आएगा क्योंकि वन वन जब वन होता है, या फिर नाइन आएगा क्योंकि नाइन नाइन जो 81। तो वन का मल्टीप्लाई भी यूनिट डिजिट पे वन देता है और नाइन का भी वन ही देता है। अच्छा, इसके बाद फिर हम वन प्लेस और टेन प्लेस को छोड़ देते हैं और फिर जो बचा है उसको चेक करते हैं, जैसे 15 है। तो अब हमें ये देखना होता है कि किसका कौन सा परफेक्ट स्क्वायर 15 के बराबर या 15 से छोटा है। तो देखो 3 3 9 और 4 4 16, तो 4 4 16 तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 आएगा। तो इस केस में हमारा 10th प्लेस पे आएगा 3, वो तो फिक्स है। 1st प्लेस पे 1 भी आ सकता है या 9 भी आ सकता है। अब ये आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 31 × 31 करके देख लो, या फिर क्या कहते हैं 39 × 39 करके देख लो, जैसे भी कर लो। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं। ओके, तो पहले 31 × 31 करके देखते हैं क्या आता है। तो 31 × 31 करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। देखिए 31 × 31 961। ठीक है, तो 961 और हमारा नंबर क्या था, देखना पड़ेगा, जरा देखना पड़ेगा क्या नंबर था। अब यह हटेगा कैसे यहाँ से, एक मिनट को, नहीं हमारा नंबर था 1521। ओके छोड़ो फिर, यानी 31 तो नहीं हो रहा, छोड़िए 39 को देख लेते हैं। तो 39 को देखेंगे तो क्या आएगा, 39 × 39, ये देखो ये आ रहा है 1521। ठीक है, ओके, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले हमें वंस प्लेस देखना है कि जो वंस प्लेस पे है यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें चेक करना है कि एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। देखो मान लेते हैं ये वाला कर लेते हैं सी। तो सबसे पहले देखो ये 5 है, तो 5 तो 5 पे ही आता है, 5 5 = 25, तो इसका वंस प्लेस तो 5 हो गया। अच्छा, इसके बाद दो डिजिट छोड़नी है आपको, 1 और 10 वाली, बाकी जो बचा वो क्या है, वो है 1 3 2, यानी कि 1 3 2 1 3 2 1 3 2। अब आपको देखना है कि किसका स्क्वायर 1 3 2 के बराबर या छोटा है, जैसे मान लो 10 10 या 100, 11 11 या 121, 12 12 या 144, बहुत ज्यादा हो गए तो 11 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा 11, ये 115, तो 115 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं 115 × 115 आ गया ना, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ स्क्वायर हूज एरिया इज 2025। तो देखो इसमें आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये इक्वल टू में होता है
इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। यस, क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये होता है। यानी कि जब साइड निकालनी है आपको, डायमेंशन मतलब साइड, तो साइड निकालनी है तो जो एरिया है उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो 2025 है इसका स्क्वायर रूट निकालना, और स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिखा है अ लाइब्रेरी हैज 1,562,5 बुक्स इन ऑल, द नंबर ऑफ शेल्व्स इन द लाइब्रेरी सेम एज द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शेल्व्स द लाइब्रेरी हैज। यानी कि अगर मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ शेल्व्स है, तो एक शेल्फ में जो बुक है वो भी एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1,562,5। यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो आ रहा है 1,562,5। एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर रूट हो जाएगा 1,562,5। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलिए ओके। इसके बाद फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना, क्योंकि एलसीएम ही वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो पहले आप 2, 3, 6, 10 का एलसीएम निकालेंगे और फिर उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। कैसे करेंगे, चलिए एक बताए थे कौन सा, 8 या 9, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो 9 वाला मैं कर देता हूँ थोड़ी बड़ी फिगर से। चलिए, तो पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। चलो एलसीएम निकालते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं कुछ कुछ वैसे ही होता है। तो जो नंबर हमारे पास है वो है 8, 15, 20, 30, 2 से डिवाइड करते हैं, 2, 4 जा 15 तो डिवाइड होगा नहीं, 20 हो जाएगा 10 और ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं, तो 2 जा 15 होगा नहीं, ये 5 से हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर 2 से कर देते हैं 1, 15, 5, 15। अब 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से कर देते हैं 1, 5 जा 1 जा 5। अब 5 से कर देते हैं तो 1, 1, 1, 1। ओके, तो एलसीएम जो आया हमारा वो आ गया ये 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 8, 3 जा 24 और 24, 5 जा 120। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पेयर में बन रहा है बट ये पेयर में नहीं, तो एक तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको एक 3 से करना पड़ेगा और एक 5 से भी करना पड़ेगा। समझ आया, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो जो पहली चीज तो ये है कि पहले हमने इसका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम आ गया हमारा 120। और 120 को जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इसको पेयर में बनाने के लिए, एक 3 से मल्टीप्लाई हुआ इसको पेयर में बनाने के लिए, एक 5 से मल्टीप्लाई हुआ इसको पेयर में। यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ 30 से, 2, 3 जा 6, 5 जा 30। तो आप इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर आ जाएगा आपका 20 और 12, 3 जा 36, तो 3600। वो
स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जिसको 8, 15, 20, 30 पूरा पूरा डिवाइड कर सकते। ओके, तो होप फॉर द बेस्ट कि आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, बट अगर नहीं कर पाते हो नीड नॉट टू वरी, इन्फॉर्म मी आइदर राइटिंग इन कमेंट बॉक्स और डायरेक्टली व्हाट्सएप में। थैंक यू सो मच।